अलताब हुसैन बड़ी मुहब्बत कर दे ते मैं सिर्फ 21 रुपये नहीं लिखा मैना मैं मजलस भरना है। और जड़े अगे भाजिया आदियां ना 21 रुपये मेरे नींद भाई और मैं कल साढ़े अपने घर मजलस आई थे रात 12 बजे ती मजलिस आई बंदा थकदा तो है मैं मुड़ नींद पूरी नहीं की थी थे। मैं आखे जे समझे तो वत भाइय रहा चलो समझे ही ना वो इतनी मुहब्बत कर दे मैनू कम बधाना चाहिए सैयद हों जिद कोई इतनी सारी मुहब्बत करे तो इतनी तो करे ही सही ना होने शामिल होने का। अच्छा मिंबर लगा पे लखा की तादाद बंदे सजे खबे बेहद कई दिन अली किस लिया कई दिन मौला अली अलैहि सलाम आवना है अज भी जेडे बंदे ना पाक इन्ने चा लेंदे ना जिम्मे छोटे भिराऊ का चाहिए मेरा दिल लगता मैं इन्होंने मणके च मुक मारा पाकां दे नाम अदब और एहतराम नाल चावने चाहिए ये बंदे समझते नहीं पे। एक बंदे ने मैं कहो तेरी कैसट चलती है जाकर इन पढ़ दे अगर तू अदब नाल चावे ना तो वो भी वो पका ही चंगा रहता है पढ़ने तू रुखा पढ़ता है या मुंह ते आके अल्लाह दी कसम ते तू ठीक हो जा ऐसा यार से ठीक हो इसी। अच्छा पाक सैयदा दा नाम इन्ने चाल हद तक सरदार आका मुहम्मद मुस्तफा है इन्ने ना चाह लेना मैं बंदा बांधा ही नहीं भावे मैं नहीं बोला बीच में करया बैठे अदब और एहतराम दे नाल पाक नाम चाहने चाहिए ये जरूरी है ये वाजिब है ठीक है। अच्छा बंदे इंतजार च मौला अली अलैहि सलाम आवना जी अज उन्हें बहने बिच कुछ बंदे खलोते हुए पौड़ियां तो गई मौके अली कित बासे यानी वो आदे अली कित बासे वो मौला अली अलैहि सलाम ना ना दे अली कित बासे ते जेड़े अलैहि सलाम मनदे उन्होंने अलैहि सलाम सड़ना चाहिए। अच्छा वो कहीं तो यह भी आखो सी पौड़ियां मौके हैं तो कोई दरी शरी कहीं नौकर कुल चवाई वधे उसे तू तले ही बहना ने पौड़ियां मौके मलंग चार आए वधे हैं ओही कसीदा लिखी वधे हैं जिम्मे मौला मिंबर ते बासी अस बारू कसीदा चा लेना वो हुण मौला अली अलैहि सलाम बंदे दे दिल दी धड़कन तेज हो ए ओ आ आ गए आ गए मौला आंदे पैर धड़कन वध गई मौला ने आके पहली पौड़ी ते कदम रखे बंदे दे विचों एक आवाज निकली मौला ने दूसरी पौड़ी ते कदम रखे तीसरी ते उठाई आ बैठे जिथे आका मुहम्मद मुस्तफा पादे हैं बंदे आख्या अली उन वली इथे हुण तू इथे आ बंदे बेशक ऐसा सोना चलदा पे पीछा हट जा। अच्छा बंदे किना आख्या ओए होए नबी अली जाते मौला ने फरमाया खामोश ए लकड़ी का मिंबर है मुहर नबूवत है तुसा मेरे कदम कहीं नहीं दिखे तो जिन्हें खुश होना ही उन्हें तो होना ही जेडे खुश हो मलंगा नहीं बाबा मैं तेन के दसा बारू रखा उन्हें कान ते हाथ उन्हें कसीदा चा लिया मैं कोल हूं हाय नबी दे घर दी गल आई नबी दे घर ते आ गई है नबी दे घर दी गल आए नबी दे ए मोमने दे रुआ अगे गल्ले टुरदी है घर दी गल आए नबी दे घर ते आ गई है नबी दे घर दी गल आए नबी दे घर ते आ गई है नबी
मेरा तो ठीक है, मैं ठीक है। अच्छा भाई अब वो मलंग वेखे ना भाई, वो बंदा तवज्जो नहीं करता रहता, वो मुतवज्जो किने चला गया, वो सुने चल गया हूं ठीक है, मुतवजे पे करें ना मलंग नबी दे घर नबी दे घर चले आई, नबी दे घर से आ गई, सुने नबी दे घर आ गल सुनिए जरी मलंगा की अगली गल घर से आ गई नबी दे सारे दे पग बैठो, नबी दे सारे दे पग बैठो, नबी दे सारे दे पग बैठो, अली दे सारे दे आ गई नबी दे घर दे गले आ या अली या अली। मलंगा बड़ा रोला मुकाया, अजकल बंदे रुले वधे हैं। मैं मलंगा दी गल सुनांदा पिया, सारे दा दिमाग ठीक होवे सी। हुण उन्ना अगला शेर पढ़िया, कोई बड़े पढ़े लिखे मलंगा ने, उन्ना पढ़िया शेर इत्थों है, इन्नी जाहिल उन फिलर दे खलीफा। हां इत्थों उन्ना शेर पढ़े, वो सच सच के बने प्या देन सही फे चार जीवे खलीफे चार लप दे या लिया। कमाल कर दिता मलंगा, रोला ही मुका दिता। जेड़े अजकल बंदे परेशान वधे हैं वो भी सुन लें, ए उदा मलंगा कही जिवे अर्श तो आईयों किताबा चार हैं, इंडिया खलीफे चार हैं, चार खलीफे जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। ओ प्या दिन सही फे चार जीवे खलीफे चार रब दे आदम दाऊद हारून अली हो दिल दार रब दे आदम दाऊद हारून अली दिल दार रब दे खिलाफत टोरे दे टोरे दे खिलाफत टोरे दे टोरे दे अजा दर हैदर ते आ गई है नबी दे घर दे गले आए नबी दे घर दे आ गई है। इयो जे कसीदे भाई आमिर दे गवाड़ लिखे दे हैं, लंगा लिख दे हैं, ते वक्त ओ उदू परो साईं उन्होंने कान पग भी तोहफा देख लेंदे हैं मौला हुसैन अलैहि सलाम। कई बंदे तो मुगालत होवे भाई बिस्मिल्ला वाह वाह क्या बात है तेरे स्पीकर सुन इतने ठीक है जाकर इतने तेन शाम तेन दुआ ना देवे तो मेरा ना बता छो बपे या अली या अली। अच्छा जो असा जाकर स्पीकर की गल करें ना पर बंद आदन एडी तो आवाज है हूं ये क्यों आदन वो जरा इतो चंगा चले सानू वह बंद है ओ परों बेशक बंद हो
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੁਤਫਨ ਦੇਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇਗਾ ਅਸਾਂ ਪਲੂ ਤੇ ਕਰੇਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਆਮਿਰ ਇਹ ਉਹ ਲੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾ ਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਵਾ ਐ ਉੱਕਾ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਰ ਪਰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਪਰੂ ਇੱਕ ਪੰਜਵਾਂ ਮਲੰਗ ਭੰਨਮ ਦਾ ਮੋਹਰ ਤਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਲੰਗ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹਰ ਤਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਉਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕਲ ਮਾਰੀਏ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹਨ ਲਾਕਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਇਆ ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਇਆ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਕਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਪਰ ਔਰ ਤੋ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇੰਜ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਹਰ ਤਰਾਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮਲੰਗ ਬੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਹੀ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਲਿਖੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਜ਼ਾਕਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੋਝ ਵੀ ਆਇਆ ਵਧੋਵੇ ਉਹ ਤੋੜ ਤਾਂ ਦੁਆਈ ਮੰਗਦਾ ਘਰੋਂ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਛਾਲਾ ਚੁਕਾਏ ਨਹੀਂ ਨਿਬਰ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਮਲੰਗ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਚਧਕਿਆ ਆਪ ਅੱਗੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਸੋ ਸਹੀ ਚੁੱਕ ਸੋ ਚੱਪੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪੀਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਾਪੀ ਬੰਦ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਬੰਦ ਕਰੇਂਦਾ ਉਸ ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਬਗਲ ਚ ਪਾ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਲੰਗ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ ਮਲੰਗ ਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਟੁਰ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਮੌਲਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨਾ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਮਲੰਗ ਆ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਤੇਰੀਆ ਹੁਣ ਐਂ ਝੁੱਕੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਂ ਬੋੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੈਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹ ਐਂ ਝੁੱਕਿਆ ਪੰਜਵਾਂ ਮਲੰਗ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਕੋ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਬੀ ਦੇ ਤਾਕ ਤੂੰ ਛੱਟ ਗਈ ਇਹ ਬਦਲੀ ਬੇਸਕੂਨੀ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਡਿੱਠਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਕਾਈ ਵਾ ਵਾਕਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਇੰਦਰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਮਲੰਗ ਪੈਦਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਬੀ ਦੇ ਤਾਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਗਏ ਬਦਲੇ ਬੇਸਕੂਨੀ ਦੀ ਨਬੀ ਦੇ ਤਾਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਗਏ ਬਦਲੇ ਬੇਸਕੂਨੀ ਦੀ ਮੋਦਤ ਦੇ ਬਾਦ ਅਜ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਅਕਲ ਸਲੂਨੀ ਦੀ ਡਾੜੀਆਂ ਪਵਨ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮਜਮੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਹਨ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਕਰਬਲਾ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਆਈ ਕਰਬਲਾ ਪਹੁੰਚੋ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਡਾੜੀਆਂ ਪਵਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਮਿਲਦੇ ਚੈਨ ਤੇ ਬਾਦ ਨਜ਼ਰ
محفوظ روے دین دی ڈھیر دعائی रहने रोंदे स्वस्थ है रब जाने की वे जींदे खूं बधी था तुलहना पुत्र जवाने पियो ज़ईफ प्यूडे दखर तीडिया दा तसा पुतर नौ लख दुश्मन नाल लड़दा वदाई लफ मेरा जड़ा दिल ते आवन मैं उपड़दा जिथा मेरा जेन पहुंचदा मैं उपड़दा अचानक मक्तल च आवाज आई ये आवाज सुनावना चाहना आप ही रोवना चाहना तुहानू ही रोवना चाहना बाबा मैं लहंदा पिया सैयद अकबर मैं भी आंदा पिया जवानी मरे पुत्र दे कोल आए तड़पदा पियाई पुत्र दे पियो डिठे सद मारे शेर लिखे मैं ई गल नहीं आख सकदा जी हतमी शेर इने लिखे दिल नु खा गए शेर जख्म दी वजह तो दर्द दी वजह तो न बोलियो सन सैयदा दे पौख अकबर पुत्र जवाने ते एवी जानता हां बहुआ उखा लते मैं डला ले रहा बिस्मिल्ला 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 सच के सुने मौला मैं ओ पढ़ा जो मैनू नजर आवे तू मेहरबानी कर मेरा बादशाह तू बादशाह है असर तेरे नौकर है तोड़े हैं जनाब तोड़े हैं असाड़ा कई नाल होर वास्ते नहीं आका सा तोड़े नौकर है पुत्र दा सर झोली च रखे मुंह चुमिया अकबर बुढ़े पियो दा सलाम इतू हाथ सीने ते जदों पियो सलाम किया ना पुत्र ए पुत्र दा सजात मथे ते आया बाबा मेरा ही सलाम सैयदा दे अकबर अज गरीब समझे दोवे हाथ क्यों नू लाए बाबा दोवे हाथ थले हो जड़ी बुढ़ा पियो नहीं ने किवें जावा लुकाई पिया सैयदा दे हाथ च मैं इमाम मैनू दसा जे पर्ची मारी है कठी क्यों नहीं बाबा ओ तुहाडा सबर देखना चाहंदे सही दादा मेरा सबर ये वेक्षन इन्हें कह नहीं दस मैं बतूल का पुत्र इमाम ने आस्ती ना उल्टी पुत्र दे सज्जे पास दोवे जानू जमीन ते टेके सामने पुत्र जख्म चूर जी सदा का जमीन किस्मत आया कि अच्छी बारिश पर
बिस्मिल्लाह। एक गल मेरे भाई की मुहक्किक इंसान है ओ फरमा रहे हैं सारे पर्दे जो जीन च लगी बर्छी ओ फरमा रहे हैं मैं पढ़िया है जदों शहजादा झड़े ते उसले नेज़ा मारे ने एडा जालिम ता लगा होया ई साबरा दा सुल्तान कैनू बद्दुआ न करन आला अली अकबर दे कोल आके दुआ दे हाथ चाके दे मेरे पुत्र दा कातिल तेरी नस्ल बर्बाद होए ते मेरे सोहरे नू नेज़ा मारे ओया मेरे नाने दी छबी आई।